हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट, एज वी ऑल नो कि अब बच्चों के स्कूल वापस से शुरू हो गए हैं, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बहुत ही एक्साइटेड और बहुत खुश होंगे दैट दे आर गोइंग बैक टू स्कूल्स। वो अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपनी स्टेशनरी शेयर करेंगे, उनको नई नई स्टेशनरीज दिखाएंगे और अच्छा लगेगा कुछ बच्चों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि थोड़े एंग्शियस होंगे, जिनको डर लग रहा होगा कि अब 2 साल बाद वापस स्कूल जाना पड़ रहा है, उनको वही सारी चीज़ें वापस फेस करनी पड़ेंगी। देर मस्ट बी सर्टन स्टूडेंट्स एंड किड्स जो खुश नहीं होंगे शायद। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए और ऐसी कौन सी जनरल बात हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि अब वो 2 साल बाद वापस स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हम उनको बता सकते हैं, उनको अवेयर करवा सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट दोज किड्स जो कि एंग्शियस होंगे स्कूल वापस जाने के लिए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा एंग्शियस है? फर्स्ट थिंग, आपको एक तो नोटिस करना पड़ेगा अपने बच्चे का बिहेवियर। सबसे पहले नोटिस करें कि उसके बिहेवियर में अगर क्या आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है, क्या वो स्कूल जाने की बात से थोड़ा एंग्शियस या घबराहट में नजर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दे आर इन स्ट्रेस और नॉट, और दे नीड योर हेल्प और नॉट। ओके, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको उनका बिहेवियर नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं, तो उनको पेट दर्द होने लगता है, या दे स्टार्ट ईटिंग लेस और दे स्टार्ट ईटिंग मोर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के साइंस एंड सिम्बल्स आपको मिल सकते हैं। तो आपको वो नोटिस करना पड़ेगा, उनका बिहेवियर देखना पड़ेगा, वेदर दे आर स्लीपिंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा टीनेज में है तो आप किस तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं वो बताऊंगी, और फिर उसके बाद बताऊंगी अगर आपका बच्चा एक छोटा बच्चा है जो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है तो आप उसको किस तरीके से हेल्प कर सकेंगे। अगर आपका बच्चा टीनेज है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक रीअश्योरेंस देते रहें बार बार, आप उनको बोलते रहें। एकदम ऐसे नैग भी मत करना, बार 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 एक ही चीज़ बोलना टाइप, ऐसे नहीं करना है। आप उनको बीच बीच में बोलते रहें, अगर आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेस में है तो आप उनको जाके ये बोलें कि लुक, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, यू कैन एनी टाइम कम एंड टॉक टू मी। आप इस बात का उनको ये भरोसा दिलाएं, उनको ये बात उनको बोलें कि आप एज अ फ्रेंड एंड एज अ सपोर्ट सिस्टम उनके साथ हमेशा हैं। नेक्स्ट, आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने दोस्तों से बात करें अगर वो आपसे बात करने में उतने कंफर्टेबल नहीं है तो, या तो अगर वो आपकी किसी सिस्टर से या आपकी किसी फ्रेंड से वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप उनसे भी इंटरेक्ट करवा सकते हैं और एक कॉन्वर्जेशन करवा सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू एनीवन। बिकॉज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वर्सेशन होना इज़ द बेसिक की। उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बच्चे की रिलीज भी हो जाती है एंड स्ट्रेस भी कम हो जाता है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपका बच्चा छोटा है, उतना एक्सप्रेसिव नहीं है तो मुश्किल होता है। क्या होता है कि ये छोटे बच्चों के जो ये बड़े इमोशंस होते हैं ना, वो इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर नहीं पाते। अब जैसे स्कूल खुल रहा है, बच्चा छोटा है, लेकिन उसको घर के एनवायरमेंट में सेफेस्ट फील होता था अपनी मदर के साथ। अब ऑल ऑफ द सडन आफ्टर 2 ईयर्स द चाइल्ड हैड गो बैक टू स्कूल, या तो अब वो अभी स्कूल स्टार्ट कर रहा है, तो वो आपको ऐसे टैंट्रम्स दिखा सकता है जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले उसको ये बताना है कि फीलिंग अनकम्फर्टेबल इज ऑल राइट, एक्सप्रेसिंग इट इज ऑल्सो ऑल राइट, बट हिटिंग, किकिंग, डूइंग एनीथिंग विच कम्स अंडर अग्रेशन इज नॉट राइट। तो सबसे पहले आप अपने छोटे बच्चे को वो बताएं। कैसे बताएंगे? आप जब भी आप देखते हैं कि वो अनकम्फर्टेबल है या एंग्शियस हो रहा है बहुत या इरिटेट हो रहा है, तो आप अपने बच्चे के पास शांति से जाएं और बोलें कि आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से, बट यू नीड टू काम डाउन राइट नाउ। अगर आप देखते हैं कि बच्चा बार बार हाथ पैर चला रहा है, आप उसको एकदम छोड़ दें, उसकी इस एक्टिविटी को एब्सोल्युटली अवॉइड करना शुरू कर दें। द मोर यू पे अटेंशन टू इट, जितना आप बोलेंगे नो नो डोंट डू इट, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो, जितना आप इस तरीके से करेंगे, बच्चा उस बच्चे को उतना ज़्यादा अटेंशन मिलेगा और उसको लगेगा हाँ ये चीज़ करने से मुझे अटेंशन मिलती है तो मैं यही करता हूँ आगे। आपका बच्चा अगर इस तरीके के टैंटर्म्स दिखा रहा है तो आप उसको सबसे पहले अवॉइड करना शुरू करें उस बिहेवियर को, एंड जब वो शांत हो जाए तो उसके पास आप वापस जाएँ और उससे बोले Now talk to me and now tell me what is the problem. I am always there with you. I will solve your problem. And use sentences which are positive for the child. Apart from that,
जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि बच्चे अब 2 साल बाद वापस स्कूल जा रहे होंगे या उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहली बार स्कूल जा रहे हों, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट कि उनको आप 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से उनको बताएं, उनके सामने रखें। फर्स्ट थिंग, मेंटेनिंग अ रूटीन विच इज़ ऑल्सो योर प्रैक्टिस। आपको भी इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि 2 साल में बच्चे का रूटीन एकदम से चेंज हो गया था क्योंकि होम स्कूलिंग चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आपको स्कूल शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही अपना वो रूटीन फॉलो करना शुरू कर देना होगा। कि सेकेंड थिंग, इफ योर चाइल्ड और योर किड और योर टीनेजर इज स्टार्टिंग टू गो टू स्कूल अगेन, यू नीड टू टेल देम अबाउट गुड टच एंड बैड टच। गुड टच बैड टच पे मैं एक पूरा ब्रीफ वीडियो भी बनाऊंगी आगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो गुड टच एंड बैड टच के बारे में आप अपने बच्चे को जरूर बताएं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई एम नॉट ओनली टेलिंग यू फॉर द पेरेंट्स हु हैव गर्ल चाइल्ड, ऑल्सो फॉर अ बॉय, पेरेंट्स ऑफ अ बॉय ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को अच्छे से बताएं कि गुड टच और बैड टच में क्या डिफरेंस है एंड उनको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए अगर वो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो द थर्ड थिंग इज स्पीकिंग अगेंस्ट बुली, एनी काइंड ऑफ बुलिंग हैपनिंग इन द स्कूल एंड दे शुड स्टैंड अप फॉर इट। तो आपको बुलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, बुलिंग क्या होती है, किस तरीके से बुली कर सकते हैं बच्चे आपको, और आपको उस बच्चे को क्या एक्शन लेना चाहिए स्कूल में बुलिंग के अगेंस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में जरूर ब्रीफ करें उनका स्कूल स्टार्ट होने से पहले। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं तो वो और अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर पाए और अच्छी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। तो इट एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर योर चाइल्ड बिकॉज दे आर गोइंग टू स्कूल आफ्टर 2 ईयर्स। एंड एज अ पेरेंट मैं जानती हूँ कि आप लोग भी चाहेंगे कि आपका बच्चा कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करे। तो गो हेल्प योर किड्स एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। आई विल बी कमिंग अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड लाइफस्टाइल व्लॉग एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सब्सक्राइब टू माय चैनल।